डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान, मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की होगी भर्ती। जी हां, पहाड़ों पर लगातार खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। ऐसे में अब प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में एक गायनी डॉक्टर के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट भी तैनात करने जा रहे हैं। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में टाटा रिसर्च सेंटर ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का सर्वे किया था, जिसमें 41 बिंदुओं में हुए सर्वे में उत्तराखंड को 88 मार्क्स मिले थे। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में टॉप 10 के क्षेत्र में सम्मिलित हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड को इस उपलब्धि के 5 लाख का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के पद से अधिक डॉक्टरों की संख्या होगी। उन्होंने कहा है कि हर साल करीब 800 बच्चे प्रदेश में MBBS कर रहे हैं और इन MBBS के माध्यम से डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। उत्तराखंड से DCP न्यूज के देहरादून से DCP न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। देखिए, मैंने कहा कि 400 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हम मार्च के महीने में करने जा रहे हैं और मैं आज प्रेस के सामने कह रहा हूँ कि 2024 दिसंबर तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या जो है पद से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पे हर साल 800 बच्चे MBBS करके आ रहे हैं। अब हमको जो दिक्कत है वो है कि हमको सर्जनों की दिक्कत है और सर्जन के लिए अभी हमने तय किया है कि हर साल हम 300 बच्चों को MD कराने का भी निर्णय हमने किया है।